हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। यार बाकी सब छोड़ो, जान दो, गेम प्ले जो है जैसा है जो भी है, बड़ा लेवल का गेम प्ले बना है। मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का गेम प्ले है। अब देखोगे तो चस ना आई ना पैसे वापस। लेकिन यार मतलब एक बात सोचने की है कि यार मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था कि यार इस सीन इस तरह है कि आप लोगों ने मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स कराने, लेकिन यार मज़ा नहीं आया, लाइक्स वगैरह नहीं किया आप लोगों ने। यार इस तरह देखो मेहनत होती है, जब आप लोग लाइक करते हो तो दिल से खुशी होती है कि यार चलो लाइक कर रहे हैं व्यूवर्स तो सब कुछ मस्त चलेगा, ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन नहीं भाई, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तो यार ये वीडियो मैंने स्पेशल 1K सब्सक्राइबर सपोर्टिंग के लिए बनाई है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख सकते हो। बिल्कुल सपोर्ट करना है आप लोगों ने, 1K सब्सक्राइबर मुझे करा के रहने। यार 2023 स्टार्ट हो गया, 2022 के मैं मतलब 7वां महीना या 6ठा महीना चल रहा था तो मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी। यार बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा सिला तो दे दो यार, कम अज़ कम 1K सब्सक्राइबर। भाई 1 मिलियन नहीं बोल रहा, 1K बोल रहा हूँ, 1K सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ भाई। तुम्हें तुम्हारी जिस मर्जी का वास्ता ले लो भाई, 1K सब्सक्राइबर कम से कम करा दो। तो यार फुली वीडियो इसके लिए आज मैंने बनाई है। और गेम प्ले की जहाँ तक बात है तो भाई आज RP मैक्स करने का सीन था, क्योंकि वीक 3 स्टार्ट हो गया था तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसे चल रहे थे कि मुझे गन वन नहीं मिली थी। मेरा बैरल का मिशन है, बैरल का करना था, लेकिन M4 और स्कारल दोनों मिल चुकी थी। आपका भाई जब आज में M4 हो तो बंदे तो नहीं छोड़ता, मुझे पता था कि सामने बंदा है, लेकिन भाई साहब उसने अपनी खोपड़ा तो दिखाना नहीं। अब नंबर 4 को उसने नॉक कर दिया। भाई मैं नंबर 4 को बोल भी रहा हूँ, जनी मत जा, अकेले मत जा, पुश करेंगे इकट्ठे करेंगे। नहीं जी, अब नंबर 2 को भी ख़ारिश हुई, जब मैंने उसको बोला भी ना करो, फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं सुनते, खुद ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर 2 को मैंने कहा जानी तू कवर में आ, मैं इस ऊपर ले को देखता हूँ ऐसी की तैसी, यानी लाश ना बिछावा में ऐ कि मेरे बंदियाँ ने नॉक करी जा रहा। ठीक है, मैंने निकाली मौली जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और भाई का किल चेक करना, आप सिर्फ भाई किल चेक करो, दस्ती मौली की, और ये बंदा जी गया ख़त्म, बाय बाय टाटा भाई। आपके भाई का किल ऐसे थोड़ी ना हम देते हैं भाई। अब यहाँ पे आपके भाई ने किए अपने टीममेट रिवाइव, लेकिन यहाँ पे आगे बहुत ही हैवी फाइट होने वाली है, बहुत ही हैवी वाली यार। मतलब कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा मैं कैसे खेल गया हूँ, लेकिन फिर भी बॉट लॉबी नहीं है, अच्छी प्रो लॉबी है यार। मतलब RP मैक्स लॉबी चल रही थी और बहुत हैवी लॉबी थी, लेकिन मज़े की बात ये बताऊँ 20 MS आई थी, इसीलिए कोई इशू विशू नहीं हुआ। तो यार सीन इस तरह के थे, गेम प्ले बहुत लवली चल रहा था। और कल वाली वीडियो पे मेरे अभी तक, मतलब कि कल वीडियो अपलोड की और अभी तक 20 व्यूज़ हैं। तो यार मतलब कि थोड़ी सी मुझे सपोर्ट एक इस तरह चाहिए कि यूट्यूब वीडियो पुश नहीं कर रहा आजकल मेरी, पता नहीं उसको मेरे से क्या ख्वाब चल रही है, मैं पता नहीं क्या करके भागा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसा कोई गुनाह भी नहीं भाई मैं जो कर रहा, जो यूट्यूब वालों के साथ ज्यादतियाँ भी नहीं चल रही, जो इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं, वीडियो नहीं पुश कर रहे भाई सब यूट्यूब वाले। तो भाई सीन इस तरह है कि अब आप लोगों ने करना है वीडियो शेयर करनी है भाई की, यार अपने भाई की वीडियोस थोड़ी बहुत शेयर कर दिया करो, मतलब थोड़ी बहुत ही शेयर कर दिया करो, ज़्यादा नहीं। तो मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे जितने लोगों का आप शेयर कर सकते हो उनको कर दिया करो यार प्लीज़। थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा ग्रो अप करना है यार, 1K सब्सक्राइबर मुझे इस मंथ में कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में बोला था मुझे थोड़ा सा लैप लेना पड़ेगा थोड़े एग्ज़ाम्स के चक्कर में, तो यार उसके लिए फिर थोड़ा इशू हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 यार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देना, और अभी अभी यार गाइस प्लीज़ अभी इस तरह करो, जब तक फाइट्स दोबारा दूसरी वाली फाइट स्टार्ट होती है आप लोग जल्दी से ना इस तरह करो, मेरे चैनल का जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करो, जो साथ बेल आइकन का बटन है उस पर प्रेस करो, उसको ऑल पे करो, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन दस्ती चला जाए और आप जल्दी से वीडियो देख लो। और साथ ही वीडियो को जरूर शेयर कर दो यार, जरूर शेयर करो। तो भाई मैं कड़ा यार, मैं कोई गुनाह करके भागा हूँ है यार, थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो ना यार भाई को, देखो आपको छोटा भाई मान लिया क्या करो कभी यार, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दो। तो भाई यहाँ पे अब मेरे टीम मेट्स काफ़ी सारे हो चुके थे नॉक शॉक फिनिश और ऐसा वैसा का सीन, तो यहाँ पे आपके भाई ने अपने टीम मेट्स को फुली कवर में अपने सारे टीम मेट्स बचा लिए। और यहाँ पे अब मेरे टीम मेट कहता है चलो भाई गाड़ी में चलते हैं, यहाँ पे हम तीनों गाड़ी में बैठे, लेकिन हमारा जो नंबर 3 था ना यार, नंबर 3 उसको थोड़ी सी ऐसी कोई चुल मची हुई थी, लेकिन नहीं यहाँ पे हम पर एक स्क्वाड ने पुश कर दिया, और यहाँ पे ये 2 बंदे थे उन्होंने मुझे और मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नंबर 1 बहुत हैवी खेल रहा है, बहुत हैवी खेल रहा है, अच्छा खेला लड़का, बहुत अच्छा खेला। यहाँ पे मैंने डैमेज दिया था DP से, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ क्योंकि मुझे दूसरी तरफ से भी बंदा मारा था। यहाँ पे अब नंबर 1 का क्लच चेक कीजिएगा, ये 2 को उसने नॉक किया, ख़त्म किया, फिनिश किया। अब यहाँ पे उसका जो तीसरा
टीम मेट था वो अब नंबर वन पे पुश कर रहा था। अब नंबर वन मुझे रिकॉल करते हुए रिवाइव करते हुए छोड़ के गया क्योंकि बंदा उस पर पुश कर रहा था, लेकिन यार वो बंदा अच्छा खेल रहा था। मतलब नंबर वन ने तो यार एक्सट्रीम लेवल दिल जीत लिया, गेम प्ले निकला नंबर वन की वजह से। स्टार्ट में मैंने इन सबको बचाया और यहाँ पे नंबर वन ने हम सबको बचाया क्योंकि नंबर फोर जो हो चुका है फिनिश हो चुका है और मैं नॉक पड़ा हूँ और नंबर वन जो है वो नंबर वन जो है हमारे साथ फाइट ले रहा है और नंबर टू जो है वो इधर उधर की गायब पड़ा हुआ है। अजीब बंदा था नंबर टू, समझ नहीं आती क्या सीन चल रहा है इसका। लेकिन अभी नंबर टू ने थोड़ी यहाँ हेल्प की, वो जो बंदा था उसको पीछे से रोटेट लेके आके किल उठा लिया। तो यहाँ पे भाई हम लोग दोबारा से हो गए जिंदा। यहाँ पे जिंदा होने के बाद हमने की हील वील सारी पटियाँ पुटियाँ छुटियाँ लपेटी और पेटियाँ पुटियाँ छुटियाँ लूटी और थोड़ी सी हम कह रहे थे कि यार बैरल बुरल मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा क्लोज फाइट। असल में बैरल का एक तो मेरा आया हुआ है आरपी मिशन, आरपी मैक्स करनी है तो आरपी मिशन आया हुआ है एक वो इस वजह से, और दूसरा बैरल का क्लोज में डैमेज बहुत मस्त है तो इस वजह से मैं बैरल यूज़ करूँ और बार बार बैरल बैरल बोल भी रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कहा यार लूट शूट तो कोई है नहीं, अब चलते हैं अपने बंदे को रिकॉल शिकॉल करते हैं क्योंकि हमारा जो नंबर वन था वो भाग के रिकॉल टावर चल जा रहा था और मुझे आइडिया था कि रिकॉल टावर पे बंदा हो सकता है क्योंकि हमने तीन बंदे इनके फिनिश किए और एक बंदा इनका रिकॉल टावर पे ज़रूर होगा। अभी आगे जाकर देखेंगे दोबारा हमारी इन्हीं बंदों से फाइट होने वाली है दोबारा से। लेकिन अब यहाँ पे मैंने कहा यार थोड़ा स्कोप स्कोप सिक्स एक्स अपनी जान का टोटा मिल गया था। अब यहाँ पे मैंने कहा यार जानी नंबर टू जल्दी फज के आसे जल्दी करते हैं ऐसे निकलना है तो नंबर वन पहुंच के रिकॉल टावर से। अभी यहाँ पे नंबर टू भागम भाग आया और बैठा गाड़ी में और आपका भाई सीधा दस्ती पहुंचे हम लोग रिकॉल टावर पे। अभी रिकॉल टावर पे जैसे ही पहुंचेंगे नंबर वन जैसे ही रिकॉल करेगा अपने बंदे को उसी टाइम हमारे ऊपर इनका फोर्थ बंदा पुश कर देगा। लेकिन हम तीन थे लेकिन बंदा बहुत हैवी खेल रहा था, नंबर वन हमारा हो चुका था नॉक। यहाँ पे नंबर टू भी अपनी फुल जश्म चुशम में चल रहा है कि भाई मैं उड़ा दूंगा मैं ये मैं वो, लेकिन नहीं जी बंदा अच्छा खेला और यहाँ पे मैंने उसको डैमेज दिया हमारा टीम में नॉक और यहाँ पे आपका भाई उठा गया किल और जीरो एचपी के साथ ये बंदे को पहले डैमेज दिया। अब यहाँ पे मैं हो गया नॉक और अब हमारी किस्मत चेक करें कि हमारा नंबर फोर जिस नंबर वन जिसको भाग के जिसने रिकॉल कर दिया था वो अभी रिकॉल होके आ चुका है और अभी वो ये जो सामने बंदा एनिमी आपको नजर आ रहा है इस पे पूरे पड़ेगा। एक को मैंने नॉक कर दिया और एक इसने पहले रिवाइव कर दिया था रिकॉल कर दिया था अपने बंदे, तो अभी मैं नंबर फोर को बोल रहा हूँ जल्दी से रिवाइव कर अपने बंदे और फाइट में ले लूँगा टेंशन ना ले बस आपका भाई है ना। अब दो बंदे अब इसके पीछे ये पूरा स्क्वाड द्वारा रिकॉल हो चुका है, अभी हम लोगों का हमारा एक बंदा बचा उसमें जल्दी से रिवाइव मारना हम सबको और आपके भाई ने फाइट लेनी। अभी आप लोग क्लच चेक करना यार, इस क्लच के बाद आप लोगों का लाइक बनता है यार जानी, लाइक ना किया ना तो बात नहीं बनेगी यार, लाइक बनता है जानी जरूर लाइक करना आपने। अभी यहाँ पे आप देख सकते मेरी हाल डजा डस गिरी है लेकिन टीममेट का शुक्रिया कि वो जल्दी से आकर उसने मुझे रिवाइव कर दिया, हाथ फाथ लगा दिया, इशू की कोई बात नहीं थी, सीन सारा यस था। तो भाई अभी आप लोग क्लच देखना, मैं कहता हूँ अपने लाइक किए बगैर नहीं जाना यार, लाइक लाजमी है, लाइक लाजमी। अभी यहाँ पे दो बंदे हैं सामने जो मेरे टीममेट्स को स्पॉट कर चुके हैं, अब मैंने हील भी करनी है अपनी हेल्थ भी बचानी है और अपने बंदों को भी सेव करना है। अब नंबर फोर नंबर टू को रिवाइव कर रहा है लेकिन बंदे आ गए। अब यहाँ से आपका भाई का देखना ये सिक्स एक्स जल्दी से इक्विप किया और ये आपकी जान के टोटे ने मेरे किल दिया। यहाँ पे दूसरा बंदा आ रहा है पुश कर रहा है मुझे स्पॉट हो चुका है, अब मैंने ये किया इसको नॉक, ये भी हो गया नॉक। अब लेकिन इनका तीसरा बंदा फिर भी मुझे डैमेज दे के नॉक कर दिया, अबे भाई अभी रिवाइव होके उठा था फिर तूने नॉक कर दिया, चंगा ड्रामा बनाया। अब मैंने नंबर फोर को बोला दस्ती से जानी तू इस तरह कर, या मुझे रिवाइव कर या तू रिकॉल कर। अब नंबर वन जो था वो भी फिनिश हो चुका था, वो गुस्सा करते यार मुझे रिकॉल कर रिकॉल कर रिकॉल कर, वरना नंबर फोर ने मुझे बचा लेना था। लेकिन कोई बात नहीं यार आपका भाई है ना तो टेंशन किस बात की, आपके भाई ने कहा यार कोई नहीं पेटी पास ही है रिकॉल टावर पे बंदा है तो टेंशन किस बात की। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सब कुछ इनविजिबल हो चुका है, ये है कि नहीं है फिल्टर लगाया था उसकी वजह से हुआ ठीक है। तो यहाँ से आपके भाई को दोबारा से हुआ रिकॉल, यहाँ पे नंबर फोर ने किया हमें रिकॉल और हम उतरे इस बंदे के खोपड़े पे, इस बंदे के खोपड़े पे उतरेंगे साले का खोपड़ा तोड़ेंगे खोपड़ा। अब यहाँ पे हम लोग उतर रहे हैं रिकॉल होने के बाद दोबारा से आपके भाई ने जंपिंग जंपिंग करके जाना है और इस बंदे का खोपड़ा तोड़ना है। आपके भाई ने ये नहीं सोचा कि भाई लूट करनी है पहले बंदूक ची उठाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं, उजी उजी जिंदाबाद भाई उजी जिंदाबाद, जोन में उतरेंगे बाढ़ में जाएंगे, जोन बंदा तो मारना है भाई, इसका पूरा स्क्वाड टपका है ये कैसे बच सकता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा दूर उतरा, मैंने कहा अगर ज्यादा सारे उतर, यहाँ पे मैंने दिया डैमेज ये लेकिन नॉक नहीं हुआ, मेरा जो टीम नंबर फोर था उसने इसको किल कर दिया क्योंकि भाई आपके भाई ने जो डैमेज दे दिया था ना तो किल तो अपनी हुआ। अब नंबर फोर जो था उस बेचारे की हेल्थ खत्म हो चुकी थी और मैं अब इसको एक दफ़ा रिवाइव करूँगा, मैंने कहा यार शायद के बच्चे बेचारा भाग के सर्कल पकड़ ले, लेकिन आप आगे देख लो क्या हो सकता है। जब मैंने लेकिन बोला जिस अंदाज से उसे तो आप समझ तो गए होगे कि बंदा बेचारा बचेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं गया अपनी पेटी पे, मैंने कहा दस्ती दस्ती अपनी लूट वापस लें क्योंकि भाई अपनी जान की टोटी सिक्स एक्स और एम फोर दोनों पड़ी हुई थी अपनी ही पेटी में भाई। यहाँ पे अब थोड़ी लूट शूट करते हैं
और क्या करें यार, आप लोग बार बार एक ही बात जहन में आ रही है कि यार आप लोग सपोर्ट नहीं करें, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। वल्लाही 4 महीने हो गए हमको यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन यार आप लोग मतलब कि नहीं यार, मज़ा नहीं रहा वो। आप लोग स्टार्टिंग में मतलब बहुत अच्छा मुझे थोड़ा आप लोगों का, अब यहाँ पे मैंने अपने टीममेट से नंबर 4 से माजरत की कि यार अब मैं आपको नहीं बचा सकता क्योंकि आप सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। मेरे पास जो इवेंट शूज़ थे वो मुझे मिल चुके थे और नंबर 1 पे आगे स्क्वाड आ चुका था और उन्होंने नंबर 1 को फिनिश कर दिया। यहाँ से मेरे पहुँचते पहुँचे नंबर 1 फिनिश हो जाएगा और मैं इवेंट शूज़ यूज़ करके सर्कल पकड़ूँ। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे पे एम लेकर बैठा, पता नहीं ये नहुस्ती कहाँ घुसा पड़ा था। अब मैं जैसे ही सर्कल से जोन से बाहर निकला और यहाँ ये मुझ पर स्प्रे देना शुरू हो गया, मैंने कहा भाई बस कर खुदा दा खौफ कर जानी, मैंने ही मार मेरे पीछे ही लगे पहले, लेकिन आपका भाई सेफ रहा और यहाँ पे को टीका टुका लगा के, नर्स तो नहीं पर खुद ही लगा लिया टीका टुका लगा के अपनी हेल्थ बचाने के चक्कर में, और पीछे सर्कल भी पीछे ब्लू जोन भी पीछे पड़ा हुआ। लेकिन भाई साहब जब नंबर 1 को जिन स्क्वाड वालों ने नॉक किया था वो बिल्कुल मेरे मुँह के सामने थे, यकीन मानो मैं मतलब अपनी तरफ से मैं फुल चिकन के मूड में था, फुल चिकन के। मैंने कहा भाई आज नहीं छड़ना, चिकन मारना है, आज चिकन पक्का है साडा, टेंशन नहीं लेनी। ये तो कहा आगे बंदे भाग रहे हैं, मैंने यहाँ से ओपन में स्प्रे नहीं दिया, मैंने कहा यार वो पकड़ लेंगे साफ, इसीलिए मैंने स्पॉट किए बंदे यहाँ पे कवर में आया। अब मुझे पता था यहाँ सामने ये लली का बच्चा एनाकोंडा बना के लेटा हुआ, इसको डैमेज दिया लेकिन हेड नहीं पड़ा, एक पड़ा है लेकिन दूसरा अगर हेड पड़ता इसने यही नॉक हो जाता। लेकिन मसला ये था इसका टीममेट साथ था, इसने रिवाइव भी हो जाना था। अब इन बंदों को नहीं पता मैं कितनी स्पीड से कैसे निकलूं, लेकिन पीछे से जिसको नंबर 1 मेरे नंबर 1 को जिस बंदे ने नॉक किया था वो बिल्कुल मेरे पीछे एग्जैक्ट पीछे आ रहा था, इतना गंदा इन 2 स्क्वाड ने मिलकर डैमेज दिया। अब देखो मैं बच कैसे रहूँ, ये 0 HP, अबे भाई गंदा वाला। अब यहाँ पे छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने नेड थोड़ा कूक करने की वजह से उसने मौली करा दी और मैं नेड कूक करता रह गया, वरना यहाँ पे मैं सेव था, पता नहीं मैं आग की तरफ थोड़ा सा वो लेते लेते चला गया। यहाँ पे मैंने नेड गिरा दिया, मैंने कहा यार ये बंदा आ जाए, लेकिन नहीं वो फिर बच गया। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसे हुए थे, मैच बहुत हैवी गया था मेरा, बस थोड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड मैच लगाया, लेकिन सेकंड मैच यार कोई हैवी सा नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हो बंदे बहुत ज़्यादा थे और लूट बिल्कुल नहीं थी। यार पबजी वालों अगर कोई सुन रहा है भाई मेहरबानी करो यार, मतलब लिविक में ग्रोनस में लूट कब नहीं हुई, इतनी हैवी हैवी लूट होती है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे देखो बंदा देखो मैं स्पॉट हो गया और वो मुझे फुली डैमेज देने के चक्कर में लगा, मुझे अब यहाँ पे सिर्फ वेक्टर मिली है, मैंने वेक्टर से ही बंदे मारना शुरू कर दिए। एक नॉक मिला था मैंने उसको किल चुराया अपने टीममेट का और मेरे टीममेट हो गए दोनों नॉक। यहाँ पे बंदा था, मैंने कहा यार अगर मैं ओपन में निकला तो बहुत गंदे वाली पेट बनी है, मैंने कहा यार उसको रिवाइव कर, नहीं बंदा स्पॉट हो गया, मैंने कहा निकलो भाई निकलो। अब नंबर 2 को मैंने कहा रिकॉल कर दूंगा कोई इशू नहीं, लेकिन अभी इस बंदे को लेना है। अब ये बंदा खिड़की के बाहर से रोटेट देके आने की कोशिश, लेकिन यहाँ से आपके भाई ने मारे हेड और ये हो गया नॉक और खत्म, बाय बाय टाटा गया, बाय बाय टाटा खत्म। अब यहाँ से मैंने कहा रिलोड करूँ क्योंकि इर्द गिर्द बहुत बंदे थे और हैवी लॉबी थी भाई, मजाक वाली लॉबी नहीं थी, बहुत हैवी लॉबी थी। ये क्या मैंने किल इसके पास, मैंने कहा थोड़ी लूट छूट हो, लेकिन ना जी कख लूट नहीं। अब मैं बार बार पीछे आके बंदे स्पॉट करूँ कि कोई बंदा नजर आए, ये ना हो कि भाई मेरी लाज बिजे बंदा नजर आए, ज़्यादा कुछ ना हो। मैंने एस्कारल की एमओ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि यार इसमें गोलियां सिर्फ 3 या 5 हैं, तो अभी यहाँ पे मेरे टीम मेट सीख रहे हैं बेचारे रिवाइव के तलब में। अब सामने एक बंदा मुझे स्पॉट हो, मैंने कहा एस्कारल से इजीली डाउन दे दूंगा, यहाँ पे मैंने उसको डैमेज दिया, गोलियाँ खत्म। मैंने कहा शाबाश ये चंगी चास से भाई, गोलियाँ ख़त्म जिस तरह स्प्रे दो। अब यहाँ से मैंने कहा यार निकलना ही बेहतर है क्योंकि एमओ शेमो कोई नहीं है, जो वेक्टर है ये हमारे करीब से ही काम आने वाली है और शॉर्ट रेंज में बंदा कोई नहीं है, सारे लॉन्ग रेंज में मुझे लग रहा है 6-6 लगा के 1M लेके बैठे हैं। तो टीममेट भी पुश कर रहे थे कि यार भाई चला जा रिकॉल पे चला जा, देख लो आप लोग तीनों बंदे मेरे नॉक फिनिश खत्म, बाय बाय टाटा हुए पड़े और आपका भाई अकेला फाइट ले रहा है और 2 किल कर चुका है, क्या बात है क्या, नहीं 1 किल किया है, 1 किल सॉरी 1 किल अभी हुआ है और 1 किल आगे जाके होगा, अभी दिखाता हूँ अभी यहीं पर रिकॉल टावर पर। तो यार रिकॉल टावर पे भी बंदे थे और मुझे स्पॉट हो रही थी, हल्की हल्की फायर फूल की आवाज़ आती और आगे बंदा नॉक पड़ा हुआ नजर आ गया था। मैंने कहा भाई किल चुराना तो लाजमी बनता है, विदाउट स्कोप आपके भाई ने वेक्टर से उठाया किल, चुराया किल और यहाँ पे एक बंदे ने स्प्रे भी दिया, लेकिन आपका भाई कैंपर एनाकोंडा बन के लेट गया और उस बंदे यहाँ पे मैंने एक पेटी देखी तो मैंने कहा भाई पेटी नजर आ गई, पेटी में से कोई एमएच में मिल जाएगी, लेकिन नहीं जी यहाँ पे सुथन चोला ही मिला और मैंने कहा दफा मारो एनाकलो सोना तो मेरा फ्राक है यार जरा मैं लग गया हुआ, तो बस असी फ्राक शरक लाया तो बस यहाँ से भागा मैं, भागा। मैंने कहा निकलो भाई, टीममेट बहुत ज़्यादा शोर करने वाले कर रहे थे कि यार भाई रिकॉल कर दे। मैंने कहा यार करता हूँ यार, हौसला भाई। तो यहाँ पे यार गए थोड़ी देर में रुका, लूट छूट की, मैंने बंदा सन स्पॉट किया कि यार बंदा तो कोई इर्द गिर्द नहीं है ना, लेकिन बंदा नहीं था और यहाँ पे मैं सीधा करने लग गया अपने टीममेट्स को रिकॉल।
अब यहाँ पे बंदे अपने मैंने किए रिकॉल और आ गया मैं यहाँ पे फाइट लेने। अब मेरा सारा स्क्वाड दोबारा से रिकॉल होने के बाद दोबारा से दो बंदे हमारे नॉक फिनिश हो चुके थे और मैं यहाँ पे अपनी जान का टोटल लेके 6x लेके पहुँचा क्योंकि नंबर टू पे बंदों ने कर दिया था पुश और नंबर टू बेचारा अकेले लगा हुआ था और मैंने कहा यार इस बंदे को मैं कवर दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि बंदा मार किधर से है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था बंदा है किधर, किधर से मुझे मार रहा है। गंदा स्प्रे दे रहा था भाई, मैं यहाँ पे बैठा हुआ कह रहा हूँ बंदा स्पॉट हो, लेकिन नहीं बंदे जी नज़र ही नहीं आ रही। नंबर टू मेरा अलाइव था लेकिन उस बेचारे के भी बंदे थे और वो भी मेरे साथ ही नॉक फिनिश खत्म। और तो यार यहाँ पे आज हमारा हो गया था लिविक ख़त्म। और अब जो सीन था वो ये था, मैंने कहा यार वीडियो के एंडिंग में थोड़ा सा जुगल बता दूं, कल रात को हम लोग एरेंगल खेल रहे थे तो हमारे टीममेट जो था एक बंदा रैंडम था और एक मैं था साइको भाई और बनी भाई, हम लोग एरेंगल खेल रहे थे रैंक पुशिंग के लिए। तो लेकिन जो रैंडम बंदा था वो थोड़ी सी यकियाँ पहल रहा था, बनी भाई को आ गया उस पर गुस्सा और वो बार बार कह रहा था मुझे ड्राइविंग करनी है, मुझे ड्राइविंग करनी है और ऐसे वैसे ऐसे वैसे। तो हम लोगों ने कहा यार अच्छा बंदा मिल रहा है भाई, तो अजीब से अजीब ड्रामे लगा रहे। तो बनी भाई को उस पर गुस्सा आ गया, बनी भाई ने कहा यार छोड़ो हम गाड़ी में बैठेंगे, ये अकेला जाए गाड़ी लेके जहाँ मर्जी जाता है बाढ़ में जाए। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा यार चलो साइकिलें, अब बनी भाई ने कहा साइकिल लो सारे तो साइकिल पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा यार चलो साइकिल लेते हैं और साइकिल रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो मैंने ले ली साइकिल, बनी भाई ने ले ली साइकिल, साइको भाई ने ले ली साइकिल और हम सब ने यहाँ ले ली थी साइकिलें और रेस स्टार्ट हो चुकी थी और बनी भाई और साइको भी भाग चुके थे और मैं अपने करेक्टर को फुल भगाने के मूड में, भाई भाग हम भाग निकली जाओ निकली जाओ। तो यार आप लोग रेस तो इन्जॉय करो लेकिन वो सब ठीक है यार, जो जहाँ तक सपोर्ट का मसला है कि आज की वीडियो बनाई मैंने फुल सपोर्टिंग वीडियो थी कि यार आप लोगों ने फुल सपोर्ट करने 1K सब्सक्राइबर कराने हैं भाई। और जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं यार वो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अब आप लोग रेस इंजॉय करो और साथ म्यूज़िक भी इंजॉय करो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Siento mucho